अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तफाक राय हो गया। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं दीगर निकाह पर भी इत्तफाक राय के करीब पहुंच गए हैं। संजीदा फैसले की तरफ गए तो आइन भी बचेगा और इदारे भी। इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक इंसाफ का इत्तफाक राय भी हासिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले पार्लिमान और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तारीखी कामयाबी है कि आइनी तरमीम की तरफ बढ़ रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा सियासी जमातें आवाम की बेहतरी के लिए कोशा हैं। कौमी असेंबली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। ऐवाने ज़ेरीं का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शाम 4 बजे होगा। मुख्तलिफ तरामीमी बिल्स असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल। सेनेट इजलास आज सपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सेनेट इजलास के एजेंडे में आइनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुजवजा आइनी तरमीम के मुसविदे पर इत्तफाक राय की सूरत में सप्लीमेंट्री एजेंडा आएगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास से मुतलिक हिकमत अमली तय कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में तमाम अरकान शिरकत नहीं करेंगे, सिर्फ चंद मरकजी कायदीन ही पार्लियामेंट आएंगे। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत मंजर आम से गायब है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है आज के पार्लिमानी कमेटी से मुतलिक इजलास में शिरकत का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। कमेटी इजलास में शिरकत का फैसला बाहमी मुशावरत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम के मुसविदे पर मुशावरत के बाद ही इजलास में जाएंगे। एस सी ओ का नए इक्तिसारी डायलॉग शुरू करने पर इत्तेफाक। तनाजात और इख्तलाफात को मुजाकरात के जरिए हल करने का इरादा। पाकिस्तान में शिंगाई तावुन तंजीम सरबरा इजलास का कामयाब इनकार। शिंगाई तावुन तंजीम के 23वें सरबरा इजलास का मुश्तरका ऐलामिया जारी। रुकन मुमालिक ने 8 दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, बेलारूस, काजिकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के बेल्ट एंड रोड इकदाम की हिमायत। इंसदादे दहशतगर्दी की इलाकाई कमेटी और एस सी ओ सेक्रेटरीट से मुतलिक दस्तावेजात पर दस्तखत। गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क्याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यूरोप और एशिया के दरमियान बेहतर इक्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। रुकन ममालिक में जारी सरमायाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की भी तजवीज़ दे दी गई। तंजीम के बजट की मंजूरी भी दे दी गई। पाकिस्तान ने एस सी ओ की सरबराही रूस के सपुर्द कर दी। इख्तितामी खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तंजीम के मुश्तरका मकासिद के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा किया। इजलास के इख्तिताम पर आलमी रहनुमाओं की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू। तमाम रुकन ममालिक ने समिट के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी।